नगर में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। किसी भी समय कहीं भी खतरनाक जानवर पहुंच जा रहे हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया है। नगर के आरईएस कॉलोनी में पुनः दो भालू नजर आए। कॉलोनी में बने पानी टंकी में शहद के लालच में चढ़ते देखा गया, जिसे कई लोगों ने वीडियो व फोटो खींचा। टंकी में चार या पांच बड़ी मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दे रहा है, जिस पर दो भालू की नजर पड़ी और पानी टंकी में बनी सीढ़ी से चढ़कर मधुमक्खियों के छत्ते का नुकसान पहुंचाया। जहां मधुमक्खियों के भालुओं पर हमला करने के बाद भालू जल्दी सीढ़ी से उतरते देखे गए। भालू और मधुमक्खी की दहशत से लोग घरों में दुबके दिखाई दिए। वहीं स्थानीय निवासी राम रतन सोरी ने बताया कि भालू व तेंदुआ शहर से लगे पहाड़ में निवास करते हैं, जिसके चलते अक्सर खतरनाक जानवर कभी भी पहाड़ से उतरकर शहर के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ में खाने पीने के अभाव के कारण ये जंगली जानवर शहरों की ओर रुक कर रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि रामनगर की पहाड़ में तेंदुआ भी बड़ी संख्या में होने का अनुमान है। रात में तेंदुआ का आतंक रहता है। गली मोहल्ले की गाय कुत्ते घूमते रहते हैं, जिनको तेंदुआ अपना शिकार बनाया करता है। वहीं मोहल्ले में कुत्ते की संख्या भी काफी कम हो गई है। मोहल्ले में खून के छींटे व घसीटने के निशान भी देखे गए हैं। वहीं तेंदुआ दिन में पहाड़ में बैठे लोगों ने देखा है, जिससे शहर के अंदर सुनसान सड़कों में हमेशा जंगली जानवरों का भय लगा रहता है। देख रहा घर अरे ऊपर मेरे को डॉगी टाइप दिख रहा भालू मुंडी तो भालू ये अब जुम करूँ उधर 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 कैसे आवाज आ रहा है? बाप रे वाह खादिस यार बाप हाँ खा दिया देखा आधा से छेदा होगी आधे से तो कुछ ज्यादा देख वीडियो बना वीडियो वीडियो अच्छा खा भी डाला जरा के देख ले गेट खोल रहे उधर बहुत चावत रे बोल रे ऊपर वाले को चावत है